इसमें दोस्तों सबसे जरूरी जो चेकअप किया जाता है वो नलियां जो है बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, मतलब दोनों नलियां जो है यदि आपके बीच में कोई लड़का बिल्कुल फिट है इस प्रकार से हाथों के पीछे कर हाथ इधर पकड़ो इधर पकड़ो इस प्रकार से आपको जोर से दोस्तों मेन पॉइंट है ये जय हिंद कमांडो सुनील रॉयल सेंटर कमांडो डिफेंस अकेडमी। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि मेडिकल जो है मेडिकल के दौरान किस प्रकार से आर्मी में चेकअप किया जाता है, कौन कौन से जो पार्ट हैं बॉडी के जो पार्ट हैं सारे जो आपको चेक किया जाएगा और आपको ए टू जेड सारी चीजें जो कि मेडिकल के दौरान जो आर्मी में मेडिकल दिया जाता है काफी टफ मेडिकल होता है और मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या आपका किस प्रकार से आपको बिल्कुल हम चेकअप करके सारी चीजें बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो में बने हैं फर्स्ट बार बने हैं तो मैं आपका तहे दिल से अपने चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं और कमांडो डिफेंस एकेडमी की तरफ से मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं मेन काम की तरफ चलते हैं, आज जो है जैसे चेकअप करेंगे हम पूरा प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे किस प्रकार से आपका जो है चेकअप किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आईज की जो चेकिंग की जाएगी, मतलब चेकअप आपका किसी भी प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं लेकिन आज हम जो चेकअप कर रहे हैं जैसे पिछली बार जो जैसे चेकअप हुआ था जबकि आईज से सबसे पहले शुरुआत की थी तो इस बार हम जो है आईज से सबसे पहले चेकअप करेंगे। किस प्रकार से चेकअप किया जाएगा वो मैं आपको वीडियो में करके बताऊंगा। दोस्तों नए हैं चैनल में सब्सक्राइब करें लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ओके दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आईज की मैं आपको बताऊंगा, दो लड़के मेरे करके बताएंगे आप चलो दोनों। इस प्रकार से आपको दोस्तों खड़ा कर दिया जाएगा और आपसे जो है मतलब क्वेश्चन जो है इस प्रकार से जो है पढ़ने के लिए होगा और इसकी आंखों को एक तरफ से बंद कर दिया और उसके बाद इनको पूछा जाएगा ये ओ ऊपर वाला ए ओ ए एम एच एम वाई गुड नेक्स्ट अपनी जगह पर दूसरी आंखें करो दूसरी आई चेंज कर दी वाई यू अभी दोस्तों इस प्रकार से जो है आपका जो है आईज का इनका चेकअप हुआ है। अभी इनका कलर ब्लाइंड का जो है चेक किया जा रहा है। कलर ब्लाइंड के लिए दोस्तों इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा बदली करना जल्दी करो तिवंजा पांच जोर सवाल आठ पंद्रह सेवेंटी फोर दो सिक्स नाइनटी सेवन ओके चाबी ट्वेल्व एट सिक्स ट्वेंटी नाइन फिफ्टी सेवन फाइव एट थ्री फिफ्टीन सेवेंटी फोर टू दोस्तों इस प्रकार से इनका आईज का जो है चेकअप हुआ है। अभी उसके बाद इनका जो है कान का चेकअप किया जाएगा।
इसमें दोस्तों सबसे जरूरी जो चेकअप किया जाता है वो इसका बैक्स बैक्स नहीं होनी चाहिए। दूसरा कान का जो पर्दा वो फटा नहीं होना चाहिए, जब फटा होगा तो इसको परमानेंट के लिए अनफिट किया जाएगा। या इसमें कोई दाग जैसे सफेद दाग या ब्लैक दाग नहीं होना चाहिए, वो भी अनफिट किया जाएगा। ओके ठीक। उसके बाद दोस्तों आगे नेक्स्ट जो है नाक का चेकअप। इसके लिए नाक के लिए पूरा इसका नाक को उठाया जाएगा। आपने नाक को उठा ऐसे ऊपर से उठाओ जी। इसका तरीका है जल्दी अपना, जब भी आपने नाक को उठाना है सीधा ऊपर से थोड़ा इधर रख, इस प्रकार से उठाना है। और उसके बाद इनका जो है पूरा इस प्रकार से नलियां जो है बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, मतलब दोनों नलियां जो है यदि आपके बीच में कोई भी इसमें जैसे आपकी हड्डी बड़ी होगी या आपके जो मांस बड़ा होगा तो आपको अनफिट किया जाएगा, ये भी मेडिकल मेन पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों इसका जो चेकअप है इसके दांतों को आप करो, दांतों को चेक किया जाएगा। दांत जो है प्रॉपर होने चाहिए, यदि मान लो कोई एक दो दांत कम भी है वो भी चल जाएगा, लेकिन साफ होने चाहिए बिल्कुल। और उसके बाद टांग, टांग ऊपर करो बांध करो, हाँ ऊपर, ये टांग जो है ऊपर जानी चाहिए, यदि आपकी टांग ऊपर नहीं जाती है तो आप अनफिट माने जाएंगे। बांध करो, हाँ करो, उसके बाद टांग बांध निकालो। उसके बाद आपका तनु जो है दिखाई देना चाहिए, अंदर से जो तनु होता है वो आपका दिखाई देना चाहिए, बांध करो। उसके बाद बॉडी का पूरा जो है चेकअप किया जाएगा। उसके बाद इसके जो है नीचे का गले का और शोल्डर जो है मान लो इस प्रकार से किसी का है तो अनफिट किया जाएगा, यदि मान लो ये है इस प्रकार से है अनफिट किया जाएगा, इसको प्रॉपर जो है बराबर होना। उसके बाद निपल के लिए बता दूं मैं, किसी के जो है तीन निपल होते हैं, मान लो दो निपल होने चाहिए प्रॉपर और प्रॉपर जो है बराबर होने चाहिए, किसी के निपल जो है एक अलग से होगा तो वो अनफिट होगा परमानेंट मार्कर। उसके बाद बॉडी का पूरा नीचे आ जाओ, कोई भी काट का निशान कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, ऑपरेशन जो है नहीं होना चाहिए बॉडी में, कोई बड़ा काट का निशान होगा तो आपको अनफिट किया जाए। उसी प्रकार से पीछे कोई भी आपकी बॉडी में कोई भी काट का निशान होगा तो आपको अनफिट किया जाए। आपके यहां शोल्डर बिल्कुल बराबर होने चाहिए। उसके बाद हाथों का चेकअप, हाथों के चेकअप में दोस्तों बिल्कुल आपके हाथ जो है बिल्कुल सीधे होने चाहिए, कईयों के जो है इस प्रकार से एंगल बनता है अंदर को एंगल, तो यदि आपका ज्यादा एंगल होगा यदि 80 डिग्री से ज्यादा एंगल, कईयों का ज्यादा एंगल होता है तो वो अनफिट माना जाएगा। आपका बिल्कुल ये बाजू है जैसे लड़के जो आप पुशअप लगाते हैं वो एक गलत चीज है, जैसे रॉन्ग पुशअप लगाना उससे बाजू आपके गलत हो जाते हैं और उससे जो है आपका जो है ये अनफिट किया जाएगा। उसके बाद हाथों को इस प्रकार से आपको घुमाया जाएगा पूरा प्रॉपर तरीके से, ये हाथों को ये करो ऐसे घुमाओ पूरा बाजुओं को घुमाओ, बाजुओं को घुमाओ, ये पीछे हो जाए थोड़ा लगे, हाँ ये पूरा स्टॉप, पीछे घुमाओ, हाँ ये दूसरी बाजू, ये प्रॉपर आपके बाजू जो है इस प्रकार से घूमने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके जो हाथों को कंपन को चेक किया जाए, यदि आपके हाथ या उंगलियां कांपती हैं तो आपको अनफिट माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों हाथ सीधा करें, यदि आपके अंदर पसीना है इस हथेली में यदि पसीना पड़ता है तो इसलिए ड्रॉप खड़े
चलेगा भाई। यदि आपके अंदर पसीना पड़ता है तो आपको अनफिट किया जाएगा। आपकी उंगलियों में कोई भी दोस्तों उंगलियां बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, किसी की उंगली छोटी या कटी हुई या इसमें टूटी हुई वो नहीं चलेगा, टूटा हुआ अंग कहीं नहीं चलेगा, वो आपका बिल्कुल आपको फिट माना। उसके बाद नीचे आ जाए आप, उसके बाद ये लेग्स, लेग्स का दोस्तों बिल्कुल आपके अंदर जो है स्केल इस प्रकार से जाना चाहिए, जबकि नोकनी का सबसे बड़ा पॉइंट मेन पॉइंट आता है नोकनी, और इसमें दुनिया बहुत ज्यादा अनफिट होती है, जबकि इस प्रकार से आपको पाम को मिलाया जाएगा और नोकनी को चेक किया जाएगा। और नोकनी को चेक करने के और भी तरीका, इसको पाम को खोले, पूरा खोले, पंजा खोले, पूरा पंजा खोले, अब टाइट कर, उसके बाद नोकनी को फिर चेक किया जाएगा, ये जबकि बिल्कुल फिट है। उसके बाद इसको लटा के लेट जाओ, केवल जो है हाँ नीचे उल्टा लेके केवल लेट के ही इस प्रकार से चेक किया जाएगा कि इसमें नोकनी तो नहीं, जबकि ये भी एक फाट है। उसके बाद दोस्तों नीचे चले जाए, आपके पांव को जो कि आपके पांव फ्लैट नहीं होने चाहिए, फ्लैट फुट के लिए पीछे उठे घूमे, पीछे पांव को उठाए, पांव को पीछे पांव को उठा, हाँ पीछे, इस प्रकार से जिस प्रकार से ये लड़का बिल्कुल फिट है इस प्रकार से हाथों को पीछे कर, हाथ इधर पकड़ो इस प्रकार से आपको जो है आपका जो है ये गैप होना चाहिए, जबकि आधा चांद बनना चाहिए, यदि आपके आधा चांद बनता है तो आप मेंटल फिट है, यदि ये आपके पूरे पैरों फ्लैट है सीधे हैं तो आपको अनफिट माना जाएगा फॉल। तो ये भी परमानेंट जो है पॉइंट है, ये भी आप अपने ये आप ठीक भी कर सकते हैं, इसकी एक्सरसाइजें हैं इसकी वीडियो में बना के डाल, सीधे खड़े हो जाए। उसके बाद दोस्तों पूरा बॉडी का जो चेकअप बढ़िया तरीके से होने के बावजूद, जबकि हर एक चीज को बिल्कुल गहराई में चेक किया, उसके बाद दोस्तों जो अंदरूनी पार्ट है आपके उन चीजों को भी चेक किया जाएगा, आपको पूरा जो है मेडिकल जो है आपको ओपन किया जाएगा, पूरा आपका जिनकी अंडरवेयर वगैरह हर चीज ओपन की जाएगी, उसमें आपको जो अंदरूनी पार्ट है उसमें चेक किया जाएगा, उसमें आपका जो है शेड एक होना चाहिए, यदि जिसमें दो शेड होते हैं वो अनफिट माना जाएगा, और उसका जो है जो अंदरूनी पार्ट उसमें जो है आपका जो है चर्बी जो होती है वो पीछे जानी चाहिए दोस्तों, यदि आपकी इस पार्ट में यदि आपकी चर्बी जो है पीछे नहीं जाती है, जो चमड़ी बोलते हैं जिस सिंपल भाषा में बोलेंगे चमड़ी, यदि आपकी चमड़ी पीछे नहीं जा रही है तो आप अनफिट माने जाएंगे। अंदरूनी पार्ट में आपके जो नीचे अंडोश है वो आपके टोटल दो होने चाहिए, उसमें छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, यदि आपके तीन होते हैं या एक होता है तो आप परमानेंट जो है अनफिट माने जाएंगे, उसमें आपके जो है टोटल दो होने चाहिए और दोनों बराबर होने चाहिए, छोटा बड़ा होगा वो भी अनफिट है, एक होगा वो भी अनफिट है दोस्तों। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं आपको, आपका जो पीछे छेद है वो सिंगल होना चाहिए एक, यदि आपके दो होते हैं तो वो भी अनफिट माना जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं ये पीछे वाली जगह है, इसमें जो हड्डी होती है इसके बीच में किसी की उंगली चली जाती है तो वो अनफिट माना जाए, जबकि जहां रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां उंगली नहीं जानी चाहिए, जाएगी तो आप अनफिट माने जाएंगे। उसके बाद नीचे किसी को भी जैसे दो शेद में बता दिया सिंगल शेद होना चाहिए, और मेन पॉइंट है नीचे हो जाए खांसी करें जोर से दोस्तों, मेन पॉइंट है ये, मान लो आप सीधे हो जाए, जिस प्रकार से ये लड़का जैसे आपको किया जाएगा जिस प्रकार से प्रॉपर डाउन हो जाए प्रॉपर खांसी करें जोर से जिस प्रकार से ये खांसी कर रहा है, ये खांसी करने के ऊपर इसका जो है पीछे होल जो है खुलना चाहिए, यदि आपका ये होल खुलता नहीं है तो आप अनफिट माने जाएंगे। और दूसरा खड़े हो जाए स्ट्रेट हो जाए, दूसरा यदि यदि आपके बवासीर की बीमारी है, यदि आपने ब्लड पड़ता है आपने
तो वो भी आप अनफिट माने जाएंगे। वो यदि आप वो उसमें जब पता लगता है जब आपको चेक किया जाएगा तो आप में यदि रेसिस होंगे तो आप अनफिट माने जाएंगे, आप में रेसिस नहीं होने चाहिए। इन चीजों का आप ध्यान रखें। और जिस दिन आपने मेडिकल के लिए जाना है दोस्तों, आपने सारी चीजें जो है क्लीनअप करनी है, अपने आप को बिल्कुल फौजी रूप देना है, अपने आप को बिल्कुल कटिंग से लेकर नीचे जो है इसके नीचे जो कटिंग है बिल्कुल आपकी साफ होनी चाहिए, नीचे वाली अंदरूनी पार्ट की जो कटिंग है बिल्कुल साफ होनी चाहिए, यानी कि पूरा प्रॉपर आपका जो है क्लीन अप होना चाहिए, हर एक जगह साफ सुथरा। आपने ब्रश कम से कम आपने दो बार करना है उस दिन, बढ़िया तरीके से ब्रश करें, बढ़िया तरीके से जाएं। और जिस प्रकार से डॉक्टर आपको बताएंगे, फौजी डॉक्टर होते हैं, बिल्कुल सख्त होते हैं, और अनफिट करने में यदि आप वो अनफिट जिस चीज में कर देंगे, आप कभी भी उनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि आपने अनफिट कर दिया, मैं अनफिट हो गया, मैं ये हो गया, वो हो गया। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और जो मेडिकल के दौरान मैंने जो चीजें बताई हैं, ये चीजें आपकी हर चीज चेकअप होगी। यदि आपके ऊपर एक आपको मैं चीज बताता हूं, जो लड़के जैसे निशान लगा लेते हैं ऐसे कट मारने के ऊपर, वो भी अनफिट माना जाएगा। उसमें भी जैसे फौज में माना जाता है कि ये आत्महत्या आत्मघाती हमला अपने ऊपर किया है, वो भी अनफिट माना जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें, लड़के गलतियां करते हैं, ये गलतियां ना करें और अपने मेडिकल को बिल्कुल फिट रखें अपने आप। और कम से कम यदि आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो कम से कम एक हफ्ता पहले आपने कान की सफाई और अपने जल के दांतों की बढ़िया तरीके से सफाई, और कान की सफाई आपने करानी है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपको आपके कान का पर्दा कोई फाड़ ना दे, क्योंकि कोई ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो आपके कान का पर्दा भी फाड़ सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो पक्का लाइक और सब्सक्राइब और शेयर पक्का करें। ओके, जय हिंद। शेयर लाइक और सब्सक्राइब प्लीज।